हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर का लेटेस्ट एपीके प्रो वाला एपीके फ्री में डाउनलोड करना बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने फुल ट्यूटोरियल बताया है कि आप कैसे और किस तरीके से काइन मास्टर के प्रो एपीके को लेटेस्ट एपीके को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क वाला। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ वायरल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई हमेशा अपने चैनल पर टेक से रिलेटेड वीडियोज लाते रहता है। तो चलो मेरे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लगभग 7 से 8 मिनट का हो सकता है, तो कृपया करके दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी मेरे पास कोई भी काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है, आपको मैं सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों काइन मास्टर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउज़र में जाना है, किसी भी ब्राउज़र में आप जा सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे गूगल का यूज़ कर रहा हूँ, गूगल ब्राउज़र, और वहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों आपको सर्च करना है काइन मास्टर प्रो एपीके, या फिर दोस्तों आप यहां पे सर्च कर सकते हो काइन मास्टर मोड एपीके। तो मैं यहां पे सर्च करता हूं काइन मास्टर प्रो एपीके। सर्च करने के बाद में दोस्तों आपको यहां पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारा वेबसाइट सर्च करने के बाद में आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर जाना है, एक वेबसाइट यहां पे है digitmin.com, आप यहां पे देख सकते हो गाइस, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। यहाँ इसका मैं पर्सनली इसका काइन मास्टर यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है digitmin.com। आप वहाँ पे देखोगे तो आपको वहाँ पे लिखा होगा, तो आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में गाइस आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे स्लाइड करते हुए जाना है। एंड गाइस आपको जब आप कुछ टाइम तक नीचे स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गो टू डाउनलोड पेज, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है गो टू डाउनलोड पेज पे। एंड गाइस उसके बाद में लोडिंग लेगा, फिर आपको नीचे स्लाइड करते हुए जाना है। एंड गाइस आपको यहाँ पे 3 काइन मास्टर दिख रहे हैं, जो कि तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे काइन मास्टर हैं। ये जो नीचे वाला काइन मास्टर है ये दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन में सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन ये जो बीच वाला काइन मास्टर है दोस्तों ये लेटेस्ट वाला है। यहाँ पे आपको ओल्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा, तो हमें न्यू वर्जन करना है, तो हमें जो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है काइन मास्टर का, हमें इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आपको भी कुछ इसी तरीके से बीच वाले पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसे सिंपल सा डाउनलोड और डाउनलोड कर वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये इतना डाउनलोड हो चुका है, तो मुझे वीडियो को स्किप कर देना होगा दोस्तों, क्योंकि ये टाइम भी लग सकता है। तो दोस्तों आपको बोर नहीं होना है, आपको इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है काइन मास्टर का प्रो एपीके है, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है। तो दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अब ये हो चुका है, मेरा होने वाला है, आप देख सकते हो। दोस्तों मुझे लगभग इससे 3 मिनट लग गए हैं, तो आपको भी लग सकता है डाउनलोड होने में। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों ये अब डाउनलोड हो चुका है, अब हमें सिंपल सा इस पर क्लिक करना है इसको इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद में थोड़ा टाइम के लिए प्रोसेसिंग लगेगा, उसके बाद में दोस्तों इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों इसमें भी आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपका लग सकता है इंस्टॉल होने में। तो दोस्तों आपको बोर नहीं होना है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें सिंपल सा इसे ओपन करना है, तो मैं इसे बैक कर देता हूँ ओके वाले बटन पर क्लिक करके। एंड गाइस उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये जो काइन मास्टर है वो है कैसा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रो वाला प्रोफेशनल तरीके का ये काइन मास्टर आ चुका है। एंड गाइस अभी आपको इसमें सेटिंग करना है, तो आपको वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको किसी तरीके से ऑप्शन आएगा, तो आपको अलाउ वगैरह कर देना है। एंड गाइस उसके बाद में आपको 3 बार लगभग इधर से स्लाइड करना है, राइट हैंड साइड में आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड गाइस उसके बाद में आपको कुछ टाइम तक रुके रहना है, ये प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन अभी कुछ टाइम में आएगा, रन एनालाइज नाउ पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपको इस पर क्लिक करना है, तभी ये पूरी तरीके से वर्क करेगा ये काइन मास्टर, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। दोस्तों इसमें भी समय लगता है, थोड़ा समय लग जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है मेरे भाई, क्योंकि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। तो दोस्तों ये अब होने वाला है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड गाइस। अब आप देख सकते हो दोस्तों ये मेरा पहुंचने वाला है। इसके बाद में दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अभी कुछ सेटिंग में आपको इस काइन मास्टर के बारे में बताऊंगा, उसको आपको करना है। तो दोस्तों इसके हो जाने के बाद में आपको 2 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस इसको आपको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, तो मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों इसकी। अब दोस्तों मैं इसकी कुछ सेटिंग आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार इसमें आपको कौन कौन से ग्राफिक्स मिलते हैं और इसका वर्जन क्या है। तो दोस्तों इसमें माय इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो इसका इन्फॉर्मेशन बताया गया इस काइन मास्टर का, तो आप देख सकते हो ये लेटेस्ट वाला। उसके बाद माई अबाउट काइन मास्टर इसके बारे में बताएगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये लेटेस्ट है इसीलिए इसमें 4.11.16 ऐसा कुछ बता रहा है। उसके बाद में गाइस डिवाइस वाला ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये जो काइन मास्टर है वो 1080p सपोर्ट करता है, इसमें आपको बहुत सारे लेयर्स भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब दोस्तों मैं आपको इसका फुल चेक करके बताऊँगा कि आपको मैं दिखाऊँगा कि इसमें वाटरमार्क आता है कि नहीं और दोस्तों इसमें आपको क्या क्या खासियत मिलता है इस काइन मास्टर में। तो हमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप कोई भी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है और मैं एग्जांपल के लिए कोई सा वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमें कितने सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस मिलते हैं और हमें इसमें वाटरमार्क बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको इस काइन मास्टर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो जब हम इस वीडियो पे कहीं भी हम जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रिवर्स का भी ऑप्शन आ जाता है, स्प्लाइट वगैरह सब कुछ इसका ऑप्शन आ जाता है। और सबसे बड़ी जो इसमें दोस्तों खूबी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे वाटरमार्क नहीं आ रहा है दोस्तों, जबकि ये हमने फ्री में आपके सामने डाउनलोड किया है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ कई सारे ट्रांजेक्शन मिलते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन डाउनलोड करना है तो आपको गेट होम पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद में। नॉर्मली काइन मास्टर में ये खुलता ही नहीं है और अगर खुलता है दोस्तों तो रुपए से खरीदने पर कोई जो यहाँ पे आप फ्री में खरीद सकते हो कुछ भी और वहाँ पे दोस्तों आपको पैसे से खरीदने पड़ता है। तो दोस्तों है ना ये कमाल का एप्लीकेशन। उसके बाद में दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ फंट वगैरह कुछ भी डाउनलोड करके आपको जाके दिखाता हूँ कि आखिरकार इसमें सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो मैं टेक्स्ट एंड टाइटल पे गया एंड गाइस मैं ये जो ऊपर आपको दिख रहा है न्यू लिखा हुआ है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये 866 KB का है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ एंड बैक करता हूँ और दोस्तों उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं लेयर पे गया, ओवरले पे गया एंड गाइस उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये कुछ किस तरीके से वर्क कर रहा है और इसमें हमें कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे एंड गाइस जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करके देखेंगे कि जो हमने अभी भी डाउनलोड किया है वो आया है कि नहीं आया है। आप देख सकते हो ऊपर दोस्तों सारा कोर्सेस आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। पहले हमारा सिर्फ था क्लासिक स्टिकर्स वाला ऑप्शन और अब हमारे यहाँ पे कई सारे स्टिकर्स आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं इसमें से किसी भी स्टिकर को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार वर्क कैसे करता है। तो आप देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर दो और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका भाई हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता है। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।